हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सिक्स के चैप्टर थर्ड को करेंगे। चैप्टर टू ऑलरेडी कंप्लीट है, आप प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं। उसके लिए चैप्टर का नाम है हिस्ट्री ऑफ द अर्लीस्ट सिटी, हड़प्पा कल्चर। जो प्रारंभिक शहर बने थे उसके इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, हड़प्पा कल्चर के बारे में। हड़प्पा आप लोग जानते होंगे, हड़प्पा सभ्यता। ओके, वी विल लर्न। इसमें हम लोग पढ़ेंगे द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन, जो प्रारंभिक सभ्यताएं थी उसके बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पा कल्चर, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, और एंड ऑफ सिविलाइजेशन, कैसे इन सभ्यताओं का अंत हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन, जो सबसे प्रारंभिक सभ्यता थी उसके बारे में शुरू करते हैं। मेनी इंपॉर्टेंट चेंज टुक प्लेस इन द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी फ्रॉम द पीरियड व्हेन मैन वाज अ गुड गैदरर टू द टाइम व्हेन ही बिकेम अ फूड प्रोड्यूसर। बहुत सारे महत्वपूर्ण बदलाव हुए मानव समाज में जब वह एक गुड गैदरर यानी खाना इकट्ठा करने वाले से एक बिकेम अ फूड प्रोड्यूसर, खाना उत्पादन करने वाला बन गया। इसके बारे में हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, वो आप देख सकते हैं। दी चेंज लेड द फाउंडेशन ऑफ सिविलाइजेशन, और इन बदलाव ने सभ्यता की नींव रखी, फाउंडेशन रखी। सिविलाइजेशन इज दैट स्टेज इन ह्यूमन डेवलपमेंट व्हेन अ लॉट्स ऑफ प्रोग्रेस टुक प्लेस इन द फील्ड ऑफ आर्ट, साइंस, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। सिविलाइजेशन उस समय को कहा जाता है जब समाज में कला, विज्ञान, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक बदलाव हुए। द अर्ली सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर बिकॉज ऑफ द नीड ऑफ वाटर, फर्टाइल सोइल एंड क्ले टू मेक ब्रिक्स फॉर बिल्डिंग हाउसेस। और जो प्रारंभिक सभ्यताएं थी वो ज़्यादातर नदी के किनारे बसे। क्यों? क्योंकि नीड ऑफ वाटर, पानी की ज़रूरत थी, फर्टाइल सोइल, उन्हें उपजाऊ भूमि मिल जाती थी, क्ले टू मेक ब्रिक्स, मिट्टी मिल जाती थी ईंट बनाने के लिए, फॉर बिल्डिंग हाउसेस, घर बनाने के लिए। आपको मालूम है जितने भी बड़े शहर है वो किसी न किसी नदी किनारे ज़रूर बसे हैं, क्योंकि जो प्रारंभिक लोग थे वो नदी किनारे बसना ज़्यादा प्रेफर करते थे, क्योंकि उन्हें वहाँ ये सारी चीज़ें मिल जाती थी जो उनके जीवन के लिए ज़रूरी थी। मोर ओवर द वाटर बॉडीज प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटी फॉर फिशिंग, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड एज वेल एज मॉडरेट क्लाइमेट। और इससे भी ज़्यादा जो पानी, वाटर बॉडीज थी, नदी थी, तालाब थे, वो फिशिंग, मछली के मारने के लिए भी अवसर प्रदान करते थे, ट्रांसपोर्ट, यातायात भी उनमें संभव था, ट्रेड एज वेल एज मॉडरेट क्लाइमेट, व्यापार भी होता था, और साथ ही साथ वहाँ का जो क्लाइमेट, जलवायु था वो काफ़ी ही मॉडरेट था, लोगों के रहने लायक परफेक्ट था। मैन हैड लर्नड द आर्ट ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द स्मेल्टिंग ऑफ कॉपर इन द लेटर नियोलिथिक पीरियड, और इंसानों ने कॉपर को एक्सट्रैक्ट करना सीख लिया था लेटर नियोलिथिक पीरियड में। इसके बारे में प्रीवियस क्लास में पढ़ा है हमने। ओके, यहाँ एक पिक्चर है, देखते हैं। फोर मेजर एंशियंट सिविलाइजेशन, चार मुख्य प्राचीन सभ्यताओं के बारे में दिया है। रिवर वैली सिविलाइजेशन, जो कि नदी किनारे बसे थे, आप देख सकते हैं नील, इजिप्ट किनारे, टाइग्रस, यूफ्रेट्स, एंशियंट मेसोपोटामिया एंड बेबीलोनिया, मेसोपोटामिया की सभ्यता भी थी, इंडस गंगे, सिंधु गंगा सभ्यता थी, हड़प्पा एंड वैदिक सिविलाइजेशन जो भारत में थी, देखते हैं भारत का ये मैप है, और फिर येल्लो रिवर सांग, और चाइना में येल्लो रिवर के किनारे सभ्यताएं बसी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हिज एक्सपेरिमेंट हेल्प हिम टू प्रोड्यूस अ न्यू मेटल कॉल्ड ब्रोंज विच इज एन एलॉय ऑफ टू मेटल, और उन्होंने कई सारी एक्सपेरिमेंट की जिससे उन्हें एक नया धातु मिला जिसे ब्रोंज कास्ट कहा जाता है, विच इज एन ओलॉय ऑफ टू मेटल,
एग्जाम्पल टीन एंड कॉपर एंड स्ट्रोंगर एंड मोर ड्यूरेबल देन बोथ। और ये जो ब्रॉन्ज होता है वो दो धातुओं का मिश्रण होता है, टीन और कॉपर का। ये जो था ये दोनों धातुओं से ज़्यादा स्ट्रोंगर, ज़्यादा मजबूत और ड्यूरेबल, ज़्यादा दिन चलने लायक था। दिस पीरियड दस केम टू बी नॉन एज ब्रॉन्ज एज, इसीलिए इस युग को ब्रॉन्ज एज के नाम से जाना जाता है। हिन्स इट हेल्प द मैन टू मेक बेटर टूल्स एंड इम्प्लीमेंट टू इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड प्रोडक्शन। और इसने इंसानों को और भी बेटर टूल्स, औजार बनाने के लिए प्रेरित किया ताकि उनके उत्पादन प्रोडक्शन में और भी एफिशिएंसी आए, वो और अच्छे से उत्पादन कर सके। मोर ओवर और दिस पीरियड शो द डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्किल्स एंड क्राफ्ट्स। इसके बाद इस युग ने नई स्किल्स एंड क्राफ्ट का विकास किया। द विलेज सेटलमेंट स्टार्टेड एक्सचेंजिंग गुड्स, और जो गांव के जो सेटलमेंट थे उन्होंने एक दूसरे से सामान, गुड्स यानी सामान एक्सचेंज करना स्टार्ट किया। द प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ ट्रेड एंड ग्रोथ ऑफ सिटी लेड टू द राइज ऑफ सिविलाइजेशन। और व्यापार के क्षेत्र में प्रोग्रेस, उन्नति के लिए सिविलाइजेशन का प्रारंभ हुआ, उदय हुआ। द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, द इजिप्टियन सिविलाइजेशन, द इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड द चाइनीज सिविलाइजेशन आर द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। चारों के बारे में हमने पढ़ा, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्टियन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड चाइनीज सिविलाइजेशन आर द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन। ये सबसे प्रारंभिक सभ्यताएं थी दुनिया की जो स्टार्ट हुई। All these early civilization developed along the bank of river and are also referred as river valley civilization. ये जितने भी civilization थे वो नदी किनारे बसे, नदी किनारे इनका विकास हुआ, इसीलिए इन्हें river valley civilization, नदी घाटी सभ्यता भी कही जाती है। Remain of ancient civilization have been found in the Mesopotamia, modern Iraq, southern Turkey and eastern Syria, Egypt, China and India. जो एंशियंट सिविलाइजेशन थे, प्राचीन सभ्यताएं थी, उनके जो अवशेष है वो मिले हैं मेसोपोटामिया में, जो कि आज इराक, साउथर्न टर्की और ईस्टर्न सीरिया में मौजूद है, इजिप्ट में, चाइना में और इंडिया में इनके अवशेष मिले हैं। द इजिप्टियन सिविलाइजेशन फ्लरिश अलोंग द रिवर नील इन अफ्रीका। जो इजिप्टियन सिविलाइजेशन था, इजिप्ट की सभ्यता थी, वो नील नदी के किनारे विकसित हुई जो कि अफ्रीका में है। द चाइनीज सिविलाइजेशन इमर्ज अराउंड द रिवर हांगहो। जो चाइनीज सभ्यता थी वो हांगहो नदी किनारे बसी। द इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लरिश अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर इंडस। और जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो सिंधु नदी किनारे विकसित हुई। द स्टडी ऑफ सिविलाइजेशन enriches आवर नॉलेज एंड help us टू अंडरस्टैंड द कॉमन characteristic एज वेल एज द डिफरेंस among डिफरेंट कल्चर। जो हमें सभ्यता की जो अध्ययन है, जो स्टडी हम कर रहे हैं, उससे हमें ज्ञान मिलता है समझने में कि उस समय के हालात कैसे थे और उस समय की कल्चर कैसी थी, उस ये जानने में हमें मदद मिलती है। ओके, हम लोग यहाँ एक चार्ट दिया हुआ है उसे देखते हैं। सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, ये रिलीजन किया था इस सभ्यता का, वॉरशिप फोर्सेस ऑफ नेचर इन फॉर्म ऑफ मेनी गॉडेस गॉड्स। ये लोग प्रकृति की पूजा करते थे भगवान मान के। इनका ऑक्यूपेशन था एग्रीकल्चर, खेती करते थे, पोल्ट्री, बर्तन बनाते थे, ग्लास बनाते थे एंड क्लोथ मेकिंग, कपड़े बनाते थे। इन्वेंशन, क्या आविष्कार किया इन्होंने, क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट, एक लिपि का आविष्कार किया, प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लेक्शन, गुना का इन्वेंशन भी यही हुआ, डिवीजन, भाग, स्क्वायर एंड क्यूब रूट, सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स, यूज ऑफ हर्ब्स, वाटर क्लॉक, लूनर कैलेंडर, कोड ऑफ हमुराबी। इन्वेंशन इन्होंने इन चीज़ों का किया।
नेक्स्ट है इजिप्टियन सिविलाइजेशन। इजिप्टियन सिविलाइजेशन का देखते हैं रिलीजियंस क्या था, वॉरशिप सन गॉड रा, ये सूर्य भगवान की पूजा करते थे, वॉरशिप नेचर इन द फॉर्म ऑफ मून फ्लड, बाढ़ की और चांद की भी ये पूजा करते थे। ऑक्यूपेशन था एग्रीकल्चर, खेती करते थे, डोमेस्टिफिकेशन ऑफ एनिमल्स और जानवरों को पालतू बनाते थे। इन्वेंशन इन्होंने किया हाइरोग्लिफिक स्क्रिप्ट, इन्होंने एक लिपि का आविष्कार किया पेपिरस जो कि मैथ में काम आता है उसका आविष्कार किया, और सौर कैलेंडर बनाया इन्होंने। ओके अब आता है चाइनीज सिविलाइजेशन। चाइनीज सभ्यता रिलीजन देखते हैं वॉरशिप नेचर इन द फॉर्म ऑफ अर्थ और ओरेकल्स, ये पृथ्वी की पूजा करते थे, नेचर की पूजा करते थे। ऑक्यूपेशन था एग्रीकल्चर, खेती ये भी करते थे, डोमेस्टिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, जानवरों को पालतू बनाते थे, पेंटिंग्स और सेरिकल्चर यानी रेशम का उत्पादन भी ये लोग करते थे। इनका इन्वेंशन था पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, पेपर का आविष्कार भी चाइनीज सभ्यता में हुआ, कैलेंडर दैट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लूनर एंड सोलर डेट्स, इन्होंने कैलेंडर बनाया जो कि सौर और चांद डेट्स का कॉम्बिनेशन था। यूज ऑफ हर्बल मेडिसिन एंड एक्यूपंचर, इन्होंने कई सारी औषधि बनाई, हर्बल मेडिसिन जड़ी बूटी वाली दवाइयाँ बनाई और एक्यूपंचर एक प्रकार का मेडिकल थेरेपी है जो कि इन्होंने आविष्कार किया। ओके इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके